ऑप्शन हुआ आई कैन नॉट लेट यू फ्लाई अलोन सर आई नीड यू ऑफ कोर्स आई नीड योर हेल्प एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज हेल्प मी नमस्कार दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं श्रीकांत के 9 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इस फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं तुषार हीरानंदानी। वहीं इस फिल्म में लीड रोल में आपको राजकुमार राव के साथ अलाया एफ ज्योतिका और शरद केलकर नजर आ रहे हैं। वहीं इसका कलेक्शन देखा जाए तो अपने जो कि एक हफ्ते यानी कि एक हफ्ते का डे वाइज इंडिया से कलेक्शन देखा जाए तो अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन से 2,25,00,000 के साथ शुरुआत की थी। वहीं इसके दूसरे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि इस दिन जो कि सैटरडे था इस कारण से 4,20,00,000 की कमाई की। वहीं तीसरे दिन यानी कि संडे का कलेक्शन देखा जाए तो संडे का कलेक्शन में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और इस दिन का जो कि इंडिया नेट कलेक्शन रहा 5,25,00,000 रहा। वहीं चौथे दिन यानी कि इस दिन से वर्किंग डे स्टार्ट होने वाला था, यही कारण है कि चौथे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो मात्र 1,65,00,000 की कमाई की। वहीं इसके पाँचवें दिन का कलेक्शन रहा था 1,60,00,000 और छठे दिन का इंडिया नेट कलेक्शन 1,50,00,000 रहा। वहीं इसके सातवें दिन का कलेक्शन देखा जाए तो सातवें दिन भी यहाँ पे 1,40,00,000 की कमाई की। टोटल 7 दिन यानी कि एक हफ्ते में इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 17,85,00,000 रहा जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन। वहीं इसके आठवें दिन का इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो 1,35,00,000 की कमाई की। वहीं नौवें दिन यानी कि आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज होने वाला है सैटरडे, इस कारण से यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और आज अपने 9वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन से 2,10,00,000 के आसपास की कमाई करते हुए नजर आ रही है। टोटल 9 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 21,30,00,000। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 25,30,00,000 हो चुका है और ओवरसीज से देखा जाए यानी कि विदेशों से तो 2,00,00,000 की कमाई की है और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 27,30,00,000 हो चुका है। बजट की बात करें तो इस फिल्म का जो कि बजट है वो 40,00,00,000 है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है 9 दिनों में और यहाँ पे बजट को यहाँ पे मात्र 13,00,00,000 बचा हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कब तक अपने बजट को रिकवर कर पाती है। तो आपको क्या लगता है कि यह मूवी आने वाले दिनों में कहाँ तक यहाँ पे इसका जो कि लाइफ टाइम कलेक्शन है वो जा पाता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको यह मूवी कैसी लगी है कमेंट करके ये भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के अपडेट के साथ। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। धन्यवाद।